के चलो मैं आपको बता दूँ, चौथा दिन है आज, आज जाकर फाइनली गाड़ी के टायर आ रहे हैं अभी। इधर इधर देख लेना ताकि इधर ना वो डिसबैलेंस होके आ जाए। यहाँ पर मेन ये शायद ये दवा दवा है पोर्शन। टायर पहले उन्होंने कहा था कि गुडियर का मिलेगा, लेकिन अभी MRF का ही टायर दे दिया, तो वो भी एक। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई दिल्ली में जमकर हो रही है बारिश आज, होपफुली गाड़ी के टायर लग जाएंगे काफ़ी मशक्कत के बाद, काफ़ी पेशेंस रखने के बाद। देखो आज उम्मीद भी है क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही है, तो हर किसी को बारिश का बहाना मिल जाता है, तो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बल्कि बारिश तो झमाझम हो रही है, दो एक दिन से ना बारिश खूब हो रही है, पूरी दिल्ली डूबी पड़ी है समझो, ऐसी झमाझम बारिश हो रही है, कितनी बिजली कड़क रही है पूछो नहीं। कावड़ तोड़ बारिश हो रही है, ऐसा में कोई कह ही आएगा। दो एक दिन से ना बहुत बारिश हो रही है, तो रात से हो रही है भाई साहब, नहीं बरसेंगे तो नहीं बरसेंगे, बरसेंगे तो ऐसा बरसेंगे कि बरसती रहेंगे। अभी फ़ोन किया था DD मोटर्स में, कह भैया बारिश तो भयानक हो रही है, बस ये बारिश रुके तभी हम भेजते हैं। मैंने कहा बारिश तो खैर बहुत तेज़ हो रही है, तो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, बारिश थोड़ा रुके तो कुछ काम बढ़े आ गया, आज तो एटलीस्ट आज तो काम हो जाए यार। तो वैसे भी सारा सामान निकाल रहा हूँ गाड़ी से, इतना पानी भरा हुआ था आपको यकीन नहीं मानोगे, पूरा एंकल तक पानी भरा हुआ था। लोअर पहन के गया था, मुझे पता था पहले मैं फ्लोटर से कुछ ऐसा चप्पल टाइप पहन के चला जाता यार, लोअर सारे भीग गए, और खैर ज़्यादा दिक्कत नहीं था ही, काफ़ी ज़्यादा मैं सोचता रहा क्या करूँ क्या करूँ। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो यार निकालना तो पड़ेगा ही, तो उनको फ़ोन किया, वो कह रहा अभी एक घंटा लगेगा क्योंकि वो टायर वे अभी अलॉयस पर टायर चढ़ाएगा, चढ़वा करके फिर लाएगा, और फिर उनका मैकेनिक छुट्टी पर है, तो वो मैकेनिक का तो उसको अरेंज करिए ताकि वो टायर को चढ़ा के कस दे। ये जो आ रहे भाई सभी सिर्फ टायर ले करके आ रहे हैं, तो मुझे मैंने बगल में मिस्त्री दुकान है, तो मैंने बोला भाई टायर लगा दो, बोला हाँ लगा दूंगा। सारी दुकान बंद है आज पता नहीं क्यों, लेकिन ये खुली है तो चलो अच्छा है, कुछ तो है वरना दिक्कत हो जाती है, मतलब टायर भी नहीं चढ़ पाते यार, बहुत भसड़ है, मैं क्या ही बोलूँगा। अब किसी तरह से काम हो जाए वही चाहिए कि एक बार ये हो जाए, फिर अभी ये गाड़ी वर्कशॉप ले जाएंगे, क्योंकि गाड़ी भी देंगे नहीं, क्योंकि गाड़ी उस तरह से डैमेज नहीं है, गाड़ी के टायर नहीं है ना, गाड़ी तो वर्कशॉप नहीं जाती है अगर कुछ भी डैमेज होता। अभी गाड़ी में टायर लगाएंगे चढ़ाएंगे, उसके बाद सीधा ये वर्कशॉप ले जाएंगे, द्वारका में मतियाला है वहाँ पे वर्कशॉप है DD मोटर्स, वहाँ पर ले जाएंगे। तो अभी देखते हैं, पहले उसका कॉल आया, अभी वो टायर चढ़ाएगा, उसको आधा एक घंटा उसमें लगेगा चारों टायर चढ़वाने में रिम पर, मतलब अलॉयस पर। तो देखो जब आता है फिर जब टायर लगते हैं फिर गाड़ी वर्कशॉप जाएगी, तो आज किसी तरह से ये उम्मीद है कि काम हो जाएगा। तीन चार दिन लग गए हैं, चौथा दिन मान के चलो मैं आपको बता दूं, चौथा दिन है आज, आज जाकर फाइनली गाड़ी के टायर आ रहे हैं। अभी पहुंच जाए तब मानूंगा कि हाँ आ गए हैं, अभी तो खैर आ ही रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे कुछ नहीं, क्योंकि लोग पागल बनाते रहते हैं, हाँ सर आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, अभी निकल रहा है तभी निकल रहा है, क्या कर सकते हैं यार, सफ़र तो कस्टमर को ही करना पड़ता है। तो चलो वेट करते हैं, अभी सामान में सब निकाल रहे हैं, क्योंकि एक काम ये भी हो गया फिर खड़े खड़े ये सब रहता है, इसलिए मैंने पहले सारा सामान निकाल लिया, पर उसमें स्टेप नहीं छोड़ी हुई है, बाकी ये कुशन वगैरह पड़े हुए हैं और कुछ नहीं है उसमें। ये चारों नए टायर आ गए, चेक कर लिए, नए ही लग रहे हैं, क्योंकि इन पे रैपिंग भी अब थोड़ा बहुत तो लगाने वाले टायर चढ़े होंगे, तो थोड़ा सा गंदे हो तो हुए, बाकी तो नए टायर हैं। ये गुडियर के टायर दिए हैं, पहले MRF लगे थे, MRF ही आ गए। अच्छा MRF के ही लाए हो आप? हाँ। पहले उन्होंने कहा था कि MRF के अवेलेबल नहीं है, तो गुडियर के चल जाएंगे, मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, अटेंडम चाहिए तो यार कुछ भी चलेगा, चलो ठीक है हमारे पास तो बढ़िया है, जैक लग रहा है यार, फिट कराते हैं। बस देखो ना आराम से उठाइए तो उसको, कि ये ईंटे नाइल हैं, बाकी तो आप जानते ही हो, आगे ना झुके आगे कुछ उतर गए। इसकी ये क्या पत्ती निकली क्या इधर, ये नीचे ऐसे बेंड हुई है क्या? नहीं ये तो वो जैक लगाने के लिए, इस पे जैक लगा टायर चेक करियो, बढ़िया
और कुछ तो ऐसे दब गए थे, तीन चार पाँच ऐसे कुछ स्क्रू पड़े थे अंदर तो नहीं रखे, अंदर नहीं रखे, अंदर नहीं रखे, कहीं रख दिए वो ध्यान नहीं रखा। चलो इसके लिए वो कंपनी से लगा देंगे यार। चलो एक लगा, तो ब्रेक मार लग के साफ हो जाने। वो तो वैसे दो बार ब्रेक लग जाएगा ना अपने आप साफ हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं तो कभी टायर लग जाएगा ना फिर कर देंगे साफ। पूरी रस्ट खा गई वो, अपनी चीज हो जाएगा तो हल्का और उठाना पड़ेगा। इधर इधर देख लेना ताकि इधर ना वो डिसबैलेंस होके आ जाए, क्योंकि इधर का ईंटा ना दब रहा है, वो कीचड़ पे है। बस आराम से हाँ, क्योंकि ये ईंटा हिल रहा है, लंका लग जाएगी, वो भी पीछे को झुक रहा है ईंटा। इधर भी एक जैक लगा दो तो सपोर्ट रहेगा। भाई देखो दो ईंटा वहाँ लगा हुआ है, झुक रहा है ये तो, देखो इधर कीचड़ है ना। आज जाकर गया फाइनली, अभी कितना पौने तीन ही हो गया समझो। मेरी दमनों बेचारी ऐसी खड़ी हुई है। ये रहा दूसरा टायर, है ना? हाँ हैंड ब्रेक खींची है, हैंड ब्रेक लगी है, अभी बिल्कुल आगे गिरने को है। कहीं नहीं गिरेगी भैया, बीच में काम करो आप, बीच में जैक लगाओ उसके, बीच में लगाना इसको। हाँ क्योंकि वो उसको वो भी आगे कीचड़ है ना, अगर जमीन होती है तो ये पानी है, तो वो कीचड़ की वजह से दोनों पत्थर हिल रहे हैं। इधर ईंटों पे लगा दी, उन वाले सामने वाले भाई की तो एक ही तरफ ईंटें लगाई थी और बाकी ऐसे छोड़ के गिरा के चले गए। सर तो पेड़ था, पता नहीं इतनी आसानी से निकाल कैसे लिया टायर उन लोगों ने, इधर का टाइम नहीं लगा। अरे वो जबकि यार चलती फिरती रहती है सड़क, उस दिन पता नहीं कैसे सांप सूंघा था यार, कोई परिंदा नहीं था कैसे, जबकि मैंने देखी सब रेकी करते हैं, मैंने पूरा वीडियो देखा उसमें, रात में निकली तो है कई गाड़ियां, पता नहीं एक भी मूवमेंट नहीं नजर आया, कोई आदमी नहीं नजर आ रहा इधर, मैंने कब कैसे निकाला है। बस दो गाड़ियां हैं, सुबह सुबह 5 बजे की गाड़ी है, दो गाड़ी निकली है। देख लो भाई तो कितना फसल हो रखी है, इधर पेड़ है सब, ये ऐसी बहुत जगह में भी आजकल गाड़ियां चोरी हो रही हैं। तीसरा टायर आ गया भाई, दो लग गए यार, अभी तक देखो कैसे लगता है। सारे इधर के लगाओ पीछे के, इधर तो वो पेड़ था, फिर बड़े आराम से निकाल के चल दे बने। आज बारिश ही इतनी हो रही थी, कल से हो रही, कल रात में रात में मैनेजर, लेकिन सुबह ही आ गए, लेकिन बारिश इतनी थी इधर, फोटू पानी भर रही थी। चलो फिलहाल आज लग गया, गाड़ी देखने में अच्छी लग रही है। कई लोग बोल रहे थे अरे गाड़ी ये लेगा, मैंने कहा भाई अब बात चल रही है, चल रही है, अब लोग लगता रहे इन्होंने छोड़ रखी है नहीं, यहाँ पे क्या है जंग खा रही गाड़ी, अजीब सा दिखाई देता तो आधी एक नहीं फिर कई पूछते हैं। हाँ वो बहुत पूछते हैं बार बार।
थोड़ा सा नीचे ध्यान से देख लूँगी कुछ डैमेज और तो नहीं है, तो देखा कीचड़ में तो समझ नहीं आ रहा। अगर कुछ ऐसा होगा तो लिफ्ट में उठा के ना। हाँ ये बात, ये बात उन्हें देखना पड़ेगा जैसे आप आ जाना आपके सामने। मैं भी साथ साथ ही चल लेता हूँ। अच्छा साथ चल रहे हो भाई, इतने दिनों बाद चलती हुई गाड़ी कितनी सही लग रही है। हाँ मेरी जान, यहाँ इसका थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं और वीडियो यहाँ कर लो, यहाँ लगा दो। चलो यहाँ पे थोड़ा सा इसका वीडियो बना लिया जाए। तो अभी तो हम लोग आ गए वर्कशॉप, वर्कशॉप मतियाला। यहाँ पर मेन ये शायद ये दवा दवा है पोर्शन, ये कवर है, ये तो कवर है, मतलब ये साइड से पूरा, ये तो ईंट जो है। हाँ वही ईंट का बता रहा हूँ, यहीं पे रखी थी ना। हाँ हाँ प्लास्टिक ही है, प्लास्टिक ही है, इससे कोई फर्क नहीं है। इतना वेट झेल जाता है तो चेसी मेन कहाँ पर होगी? लोहा भी है इसके अंदर, चेसी इसके अंदर चेसी होती है। टूल किट मैंने निकाली थी, बाकी इसमें सिर्फ ये स्टेपनी है, इसका जैक है और उसका वो पिन है, बाकी मैंने निकाल लिया था। ठीक है सर, आपको एम आर एफ का नॉर्मल स्टेपनी होगी, जैक होगा, टूल किट नहीं है। ठीक है, जॉब कार्ड बन गया, सब चीज़ पता कर ली है, सब देख लिया, चारों तरफ वीडियो भी बना लिया है। अब निकलते हैं, आगे धन्ना जल्दी मिलते हैं यार। अभी तो चल रहे हैं, गाड़ी तो ड्रॉप कर दी है, अभी तो कुछ करते हैं। कैब है, ऑटो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, चलते हैं ऑटो करते हुए घर पहुँचते हैं। 4:30 हो रहे हैं, अंधेरा देखो कैसे हो रहा है। तो भैया अब घर पहुंच गए हैं, अभी क्या 5 बज गया है, आज ये घड़ी का सेल खराब हो गया तो घड़ी उतार दी है, लगभग 5 बज गया है। बाहर बारिश चढ़ी हुई है बहुत तेज, एकदम काला मौसम हो रखा, भी दिखा रहा था ना भाई। बारिश हो जाए तो ठीक है, कई लोगों को परेशानी भी होती है बारिश से, जैसे ऑटो वाले भैया बता रहे थे यार हर जगह पानी भर जाता है, लोगों को कहीं भरे हो पानी ले जाओ और मना करो कि मेरा ऑटो ख़राब हो जाएगा मैं आगे नहीं जाऊंगा, तो वो लोग फिर बहस करते हैं कि भाई मुझे तो वहाँ छोड़ जैसे मर्जी ऑटो ख़राब हो या ना हो। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ पानी इतना नहीं भरा है, अब तो और कम हो गया है। तो बस अभी मम्मी चाय बना रही हैं, अभी कुछ खाएंगे। लोगों ने डोसा मंगाया था, जैसे ही आया आने से पहले ही वो लोग आ गए थे, तो मैं निकल गया तो मैंने कुछ खाया नहीं, चाय बना दी, तो चाय पीते हैं अभी। गाड़ी फिलहाल ये टेंशन हटी कि गाड़ी अब वर्कशॉप पहुंच गई, यहाँ रख खड़ी थी तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन कर भी क्या सकते थे, जब तक टायर नहीं आता तो गाड़ी वहाँ पे वर्कशॉप पहुंचती नहीं। अब फिलहाल पहुंच गई, अब जो इंश्योरेंस वालों का कांटेक्ट होगा उनसे बात करेंगे कि अब कैसा क्या है, कितना वो टाइम ले रहा है, कितना नहीं टाइम, वो देखो प्रोसेसिंग चलती है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। फिलहाल अब जा कर के थोड़ा राहत मिली कि ये काम निपट गया, बस अब वहाँ से गाड़ी तो वहाँ खड़ी रहेगी, बाकी नीचे वीचे सब देख लिया, जैसे कि ऊपर गाड़ी उस पर जैक को उठा करके नीचे कोई डैमेज तो दिखा नहीं, नीचे चेसिस वगैरह सब ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ गाड़ी में, नीचे सिर्फ वही टायर निकले थे, टायर लग गए,
अब आराम है। काफ़ी मतलब 3-4 दिन हो गए टेंशन में कि अब आएंगे। अगर पहले दिन ही पता होता ना 4 दिन लग जाएंगे। तो एक बार को तो ये था कवर ही टांग देते, लेकिन ये लग रहा था आज आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, शाम आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, शाम आ रहे हैं, यही चल रहा था। इस चक्कर में कवर भी नहीं। अब निकलते बैठते आदमी देखता है तो पूछ भी लेता है कि अरे किनकी गाड़ी है ये, उनको बोलो। जब कोई पहली दफ़ा देखता है, अरे कोई बोलता गाड़ी इसमें रिम में जंग लग रही है, ये लग रही है, सब देखते हैं तो बोलते ही हैं कि ये करो वो करो। फाइनली आज फिलहाल टायर छिड़ गए बढ़िया। अभी तो देखना है कि कैसे क्या आगे प्रोसेस है, रिएम्बर्स होता है क्या, कैशलेस रहता है कि नहीं, पहले हम पे करेंगे बाद में आएगा, ये सब चीज़ देखनी है। तो वो तो अभी बाद में अपडेट पता चलेगा, अभी तो फिलहाल देखते हैं। अभी तो रुक जाओ, मैंने एक गिलास पानी पी लिया तो भूख तो वैसे ही खत्म है। अभी फिलहाल चाय दे दो, क्योंकि थोड़ा सा हेडेक हो रखा है। ऑटो वाले भैया वहीं पे उतर गया था क्योंकि उनको कहीं अर्जेंट जाना था और इतना जाम लगा हुआ था, तो मैंने कहा मुझे यहीं छोड़ दो, मैं अपना वॉक करते हुए चला जा रहा हूँ। क्योंकि वो फ़ोन पर बात करते करते ना वो गलत कट ले लिया था, तो मैंने कहा जाओ ना, कभी कभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना चाहिए, इतना भी नहीं, क्योंकि हर जगह बारिश हो रही है, कहीं ऑटो फंस जाते हैं तो लोग केयर नहीं करते कि भैया जैसे मुझे पहुँचाओ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर किसी जगह आप ऑटो ऑटो से जा रहे हो जहाँ पानी भरा है तो थोड़ा या तो दूसरी जगह से चले जाओ, अगर नहीं तो थोड़ा पहले उतर जाओ। किसी का नुकसान नहीं कराना चाहिए ना कि आपका थोड़ा सा उसका ऑटो पानी में ले गया, उसका ऑटो भी ख़राब हो गया, आप भी फंस गए, फिर आप उस ऑटो वाले को घर जा रहे हो, ये भी नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी ह्यूमैनिटी रखनी चाहिए। ठीक है, अभी फिलहाल चाय पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर कॉन्टैक्ट करते हैं इंश्योरेंस वालों को क्या जाएगा। आज तो वैसे संडे है, संडे को सब तो बंद ही रहता है, क्या ये कल से कार्रवाई चालू करेंगे। बाकी पुलिस वाले को भी फ़ोन करना कि भैया कहाँ कोई लीड मिली कि नहीं मिली, ये लोग भी सो जाते हैं, जस्ट चल रहा है, इनसे पूछना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। कोई चीज़ें चोरी कल को किसी और की भी चोरी हो, कल को मान लो दिन में ही चोरी कर लें, कोई भरोसा नहीं है ना, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा ऐसा है भैया जाँच पड़ताल करो, थोड़ा इस पर काम करो, कौन सी गैंग है क्या है, ताकि आगे ना हो किसी हिसाब से। देखो अब देखो ना बीतती है तो पता चलता है भाई। तो गाइस 9 बज गए, खाना पीना हो गया था, अभी तो बस वही गाड़ी के बारे में बातचीत कर रहे थे। सामान तो सारा निकाल लाया था, उसमें बस कुशन छोड़ दिया, मैं सोच रहा था कुशन में ले ही आता तो ठीक था, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है पड़े रहने, तो बाकी कोई चीज़ तो है नहीं, बस वही 4 कुशन पड़े थे, बस स्टेपनी छोड़ दिए और तो ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है। तो बस वही सब चीज़ें दिमाग में आ रही थी कि देखो कब क्या है, कब मिलती गाड़ी। ये तो फिलहाल बस इतना ज़्यादा कुछ काम तो कराना नहीं है। हाँ, उसका लेफ्ट साइड का हैंडल मैंने पूछा था कि उसमें जो सेंसर है वो ख़राब हो रखा है, तो लग गया वो भी चेंज है, पिछली बार जब उसमें दिखाया था वर्कशॉप में तो उनके पास था ही नहीं, इस बार इनसे पूछा है कि इनके पास अगर वो सेंसर लॉक अनलॉक का सेंसर होता ना पैसेंजर साइड का, वो नोच लिया था तो वो लेना है। तो बाकी उसमें तो कुछ काम है नहीं, अभी तो खड़े रहे, बस वही इंश्योरेंस का प्रोसेस बाकी है। ऐसा कुछ उसमें डंडे पंडे काम कुछ नहीं, नीचे से देख लिया था तो कुछ डैमेज नहीं है, बस टायर लग गए हैं, गाड़ी उठानी है, बस जैसे ही उनका मतलब डिलीवरी ऑर्डर आ जाता है इंश्योरेंस से तो लगेगा 1-2 दिन का टाइम। सारा सामान उसमें निकाल लिया था, रख लिया था सब, ये तो शुक्र ना हो कि याद रखो कि ये वहाँ जाके निकालो तो लाद के लाना पड़ रहा है, इसलिए तो कुशन नहीं लेके आया। मैंने कहा पड़े तो पड़े रहने, तो क्या ही करेंगे वो कुशन का। फिलहाल नए टायर लग गए, एक तरह से ये कहा जा सकता है कि गाड़ी को नया अपग्रेड मिल गया है, तो ठीक है, अच्छा है, अच्छे लग रहे हैं इन पर ये भी, क्योंकि यही अवेलेबल भी थे तो जो अवेलेबल था हमें तो चाहिए थे। टायर पहले उन्होंने कहा था कि गुडियर का मिलेगा, लेकिन अभी MRF का ही टायर दे दिया, तो वो भी एक अच्छी बात है, नए टायर नए लॉयस और एकदम छकाक हो गया चौकस एकदम, देख के तो आपको पता ही लग गया। तो कमेंट करके बताना अभी ये लॉयस कैसे लग रहे हैं और MRF के टायर ज़्यादा अच्छे होते हैं या गुडियर के, ये मैं पूछना चाह रहा था। फिलहाल वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या अपडेट आता है, क्या मतलब उन लोगों से क्या निकलता है, क्या रेजोल्यूशन आता है कि पूरा 100% मतलब कैशलेस रहेगा या हमें कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी या हमें पेमेंट करके रिएम्बर्समेंट मिलेगा हाफ, जो भी है वो आपको आगे पता चलेगा। अभी फ़िलहाल तो वेट करते हैं, क्योंकि अभी तो सवेर हुआ है, गाड़ी पहुँची है वर्कशॉप में, सारा सर्वेइंग हो गई है, फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह सब ले लिए थे, अब वो अपने आगे भेजेंगे, फिर इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी क्या करना है, फिर हमें अपडेट मिलेगा, फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये कम से कम गाड़ी यहाँ से उठ के चली गई, उन्हें यहाँ खड़े खड़े लोग आराम तो देख भी रहे थे ना, खुद को भी एक एम्बैरेसिंग से लग रहा था कि गाड़ी ईंटों पे खड़ी हुई है। अब फटाफट से जाके टायर आके नया लगा भी लेते ना, तो एक झंझट था कि इंश्योरेंस कंपनी देती नहीं देती, क्योंकि हमने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था कि अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। मैंने कहा भैया रिस्क नहीं लेंगे, पता सारा कुछ अपने ऊपर ही आ जाए, इसलिए वेट किया इंश्योरेंस का। चलो जैसा होगा वैसा होगा, अभी खाना पीना हो गया, अपना काम धंधा निपटाते हैं, उसके बाद सो जाएंगे। तो आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना,
कमेंट करके बताना कि टायर कौन से सही अच्छे रहते हैं, कि हमारा कोई कुछ लोग कह रहे थे हमारे की मतलब क्वालिटी अब अच्छी नहीं रहेगी, मैं नहीं मानता ऐसा, बाकी आप लोग बताना ठीक है, और अलॉयस कैसे लग रहे हैं ये भी बताना। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।